प्रेगनेंसी के दौरान यूजली वेट बढ़ जाता है। सबसे पहले तो बताइए, इज इट नेचुरल, एंड इफ इट इज नेचुरल तो क्या ये सही है? देखिए, प्रेगनेंसी का जो वेट गेन होता है, इट्स बहुत सारी चीज़ों के साथ को से मिलकर होता है। बेबी सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी का जो वेट गेन है वो सिर्फ इट्स अ फीटस और द बेबी इनसाइड द वोम। आपका जो ब्लड है उसकी भी मकदार बढ़ जाती है, उसका भी वेट होता है। इसके अलावा आपका जो लाइकर होता है जिसमें बेबी फ्लोट करता है उसका भी वेट होता है, प्लस द यूट्रस अपना साइज़ बढ़ाया हुआ होता है उसका भी वेट होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है वो प्रेगनेंसी का वेट गेन करती हैं, और डेफिनेटली इट्स अ मस्ट थिंग। अगर इसमें कहीं कमी या ज्यादती हो जाती है तो वो आपकी एबनॉर्मैलिटी की तरफ डेविएशन आ जाती है। तो थिंग्स शुड बी नॉर्मल, वेदर इट्स वेट और एनीथिंग एल्स। वेट भी है तो उसको आपको प्रॉपरली बढ़ना चाहिए, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खा के कि अच्छा, लोगों के पास मिथ ये होती है कि हम ज़्यादा खाएंगे तो बच्चा हमारा हेल्दी हो जाएगा, बट इट्स नॉट लाइक सो। इट इज नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। बट सीरियसली, ये तो हम बहुत कुछ तोड़ देंगे सारे मिथ्स जो है वो तोड़, बिकॉज ये तो बड़ा, मतलब बड़ा लोग एक खा रहे तो दो रोटी खाना शुरू करें। बच्चा जब आता है उस वक्त भी वो मदर फीड पे होता है, उसको हम रोटी तो नहीं खिलाते। अच्छा, और एक और बात होती है फिर जब अब उसके बाद हम उस पर आएंगे, जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है तो उसके बाद दोबारा से जब वेट आप रिड्यूस करने पे जाते हैं तो आपको बहुत मुश्किल होती है। मतलब ऐसा है ये कि आपने नए सिरे से शुरू करना है ना, इवन मोर हार्डर, आई मीन यू हैव टू पुट इन मच मोर एफर्ट्स शेयरिंग दोस एक्स्ट्रा पाउंड्स दैट यू हैव कैरीड। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि वो क्या, कौन सी होती है, कोई बॉर्डर लाइन है कि जी इतना वेट बढ़ना चाहिए इतना नहीं, क्या 10 pounds बढ़ना चाहिए, क्या 15 pounds बढ़ना चाहिए, या कोई ऐसा है? देखें, अगर आइडियल वेट पे कोई स्टार्ट, बिफोर प्रेगनेंसी हम बेसिकली देखते हैं कि कोई अंडर वेट है, ओवर वेट है, या आइडियल वेट पे जो BMI की रेंज है उसके अंदर है। ठीक है, इफ समबडी इज आइडियल वेट तो उसमें जो है 10 kg से लेकर 25 kg, दैट्स लाइक अवर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। 10 kg बढ़ सकता है, मिनिमम गेन होता है 10 kg, दैट इज द यूट्रस वेट जो फ्लूइड है उसका, जो बॉडी की नेचुरल फैट मदर की होती है स्टोरेज बनता है एक, वो ये 10 kg द मिनिमम, और मैक्सिमम 25 kg। इससे ज्यादा एक्सीड करेगा या इससे कम होगा तो वो फिर दोनों ही कॉम्प्लिकेशंस में जाएगा। लेकिन कभी कभी लाइक मी, मैं अंडर वेट हो गई थी, लाइक मैं पूरी प्रेगनेंसी खाना नहीं खा पाए, तो ऐसे में इंसान क्या करे? देखो, दैट मीन्स कि आपकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही, देर आर रीजन्स फॉर इट, कि अगर एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है या एपेटाइट बिल्कुल ख़त्म हो गए, इन सप्लीमेंट्स दे देते हैं फिर डॉक्टर्स जो होते हैं। कोई मैलन्यूट्रिशमेंट प्रॉब्लम होती है, चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही हैं, आप खा रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब, उस कंडीशन में भी जो है या नौजिया बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का होता है जैसे, तो वो नहीं खाते, रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है कुछ बंदा खा नहीं सकता और लोग को ये लग रहा होता है कि वो प्रेगनेंट हो गई है, नाक में छिड़ा रही है, लेकिन दिस इज़ रियलिटी कि आपको खाना आपके सामने होगा और आपको भूख ही नहीं लगेगी क्योंकि आप खाने से चिढ़ रहे होते हो। सो इसमें एटलीस्ट ड्रिप्स और ये सारी चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। ड्रिप्स के अलावा भी जो ओरल सप्लीमेंट्स जैसे आते हैं ना, वो भी दे सकते हैं, ओरल सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं जिसमें विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, ड्रिंक्स आती हैं। क्या ये बहुत नॉर्मल है भूख का ना लगना या भूख का ज़्यादा लगना? शुरू के फर्स्ट 3 months जो है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसे बोलते हैं, उसमें यूजुअली एपेटाइट लॉस हो जाता है। आप भूख नहीं लगती है क्योंकि उसके अंदर हमारा जो एक हार्मोन होता है BHCG, जो कि प्रेगनेंसी पर्टिकुलर हार्मोन है, वो हाइट पकड़ता है। तो जब वो हाइट पे जा रहा होता है तो उससे नौजिया, वॉमिटिंग, ये सब कुछ हो रहा होता है। तो पेशेंट जो है वो हर वक्त नौजिएटेड रहती है, नॉट पेशेंट, प्रेगनेंट वुमन, वो हमेशा नौजिएटेड रहती है, तो उसका वैसे ही खाने को दिल नहीं चाहता। इसके अलावा अगर बार बार उल्टी का होना, तो उससे भी आप रेचिंग होती है स्टमक में, तो उसकी वजह से आप नहीं खा पाते हैं। तो फर्स्ट 3 months में जो है ये प्रॉब्लम रहती है, इट्स यूजुअल। तो उसको हम, जैसे उन्होंने कहा, अभी IV हाइड्रेशन से थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं, या आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स हम रेकमेंड करते हैं प्रेगनेंसी में, कि इट्स नॉट लाइक कि आप जैसे प्री प्रेगनेंसी पेट भर के एक रोटी खा रहे हैं या राइस खा रहे हैं या वट एवर, आपने इस तरह नहीं खाना, आपने स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। एक सेब खा लेना है, थोड़ी देर बाद आपने थोड़ा सा कोई स्नैक लाइक कोई फ्रूट ले लेना है, इस थोड़ा सा जूस ले लेना है, बट इट्स नॉट लाइक कि आपने सारी चीज़ें एक साथ ले ली और फिर आप नहीं बर्दाश्त कर पाए, यू वॉमिट ऑल। तो आप वो फर्स्ट 3 months थोड़े से आपने स्मार्टली मैनेज करने होते हैं। उसके बाद 4th month एंड ऑनवर्ड्स थोड़ी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं, BHCG थोड़ा डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, आप हेल्दी एंड ब्राइट फील करते हैं, खाने का भी दिल चाहता है। इन एक्सेप्शनल केसेस अलग हैं जहाँ पे आपको फिर भूख का ना लगना या कुछ हो, तो उसमें फिर हम दूसरी तरफ जाते हैं कि लिवर फंक्शंस देख लें या कोई ऐसा तो नहीं थायराइड का मसला हो रहा हो, फिर वो हम दूसरी तरफ देखते हैं चीज़ों को। तो पहले ट्राइमेस्टर के अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं,
जब आप दूसरे ट्राइमेस्टर को हिट करते हैं तो उसके बाद चीज़ें बेहतर होना आपके लिए शुरू हो जाती हैं, तो एक्चुअल वेट गेन जो है वो कब से शुरू होता है? देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो वैसे भी बहुत कम, ओवरऑल 3 मंथ्स में ही 1 to 2 kgs का हम कहते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं कहते, बट आफ्टर दैट 4th मंथ ऑनवर्ड जो सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 4 to 6 मंथ्स एंड 6 उसके बाद 7 to 9 मंथ्स जो होते हैं उसमें वेट गेन एक्सेसिव होता है, और उसमें हम लोग पर मंथ कहते हैं कि 1 kg आपका, जैसे अगर 3 मंथ्स का ट्राइमेस्टर है तो मिनिमम 3 kgs गेन होना चाहिए वेट। ओके। कभी कभी ब्लोटिंग भी होती है बिकॉज आप इतना गेन नहीं करते, एक दिन आप एक्सट्रीमली गप्पू होते हो और फिर रिंग्स विंग्स कुछ नहीं जा रहे हो, फिर टेंशन होती है, 4-5 days यू परफेक्टली यू लाइक ये क्या हुआ, खुशी हुई थी गेन हुआ, लॉस हो गया, वो भी टेंशन होती है ना, प्रेशर सिम्टम्स भी आते हैं, जो यूट्रस थोड़ा बल्की हो रहा होता है तो प्रेशर सिम्टम्स आते हैं, उसकी वजह से यू फील ब्लोटेड। तो कुछ डूज एंड डोंट्स, मतलब उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं लेमन ग्रास की वो रिकॉल चाय पीनी चाहिए ब्लोटिंग को कम करने के लिए, नींबू पानी पीना चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स के आपको क्या सूट कर रहा है, जो जो भी मदर है, मदर टू बी है, उसको जो है जो चीज़ सूट कर रही है ना, अब क्या होता है हम एडवाइस तो बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं, एज ए डॉक्टर हम लोग कहते हैं आप ये खाएं, शेक्स पिए क्योंकि हेल्दी है, स्ट्रॉबेरी का सीज़न आ रहा है तो हम कहेंगे स्ट्रॉबेरी के शेक स्मूदीज लें, डेयरी भी जाए आपके अंदर, फ्रूट भी जाए, बट अब वो मदर इफ़ शी इज़ नॉट क्रेविंग दैट या उसको वो अच्छा नहीं लग रहा वो नहीं लेगी कभी, तो फोर्सफुल आप जो है ना ईटिंग करा। कहाँ ये कहा जाता है कि अब वेट जो है वो बढ़ना डेंजरस हो गया है, क्या ऐसा भी होता है कि जहाँ आपका 10 से 15 से 25 केजी से भी एक्सीड कर जाता है, क्या ऐसा भी कभी होता है? वो अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना कि आपका प्री प्रेगनेंसी वेट जितना होता है हम उससे कैलकुलेट करते हैं कि आपका वेट कितना होना चाहिए, ठीक है, एक एवरेज जो होती है खातून जो हमारे पाकिस्तान में लिया जाता है तो उसमें ये है कि आपका नॉर्मल जो वेट गेन है वो अराउंड 25 pounds जो है नॉर्मल 25 pounds तक आप जा सकते हैं। ओके। तो अगर उससे एक्सीड करती है तो फिर हमें उसे लिमिट करना होता है, हम एंटीनेटल विजिट्स पे पेशेंट का वेट देख रहे होते हैं और जब वो एक्सीड करने जा रहा होता है तो फिर हम साथ साथ और चीज़ों पर भी हमें अलार्मिंग होता है कि हम ब्लड प्रेशर देखें, ऐसा तो नहीं पेशेंट हाइपरटेंसिव हो रही है या फिर उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल उसकी डिस्टर्ब हो रही है, तो वो वेट गेन जो है वो बेसिकली अगर नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ जाए तो वो डॉक्टर के लिए आपके फिजिशियन के लिए अलार्मिंग हो जाता है, रादर देन वी हैव आप पेशेंट जब बड़ा खुश हो जाता है कि अच्छा वेट गेन हो रहा है बहुत अच्छी बात है।